फिर से मैं आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ। आज की जो हमारी टॉपिक होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट के लिए है एट द टाइम ऑफ कॉलेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक माय न्यू चैनल नॉलेज ट्रिक में। सो फ्रेंड्स, आज जो मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ वो है BU वर्सेस CU, यानी BU और CU में क्या डिफरेंस है, इसी पे आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को फर्स्ट से लेकर इन तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बीच में क्लिप मत कीजिएगा वरना आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी, स्पेशली फॉर स्टूडेंट। तो इस वीडियो को फर्स्ट से लेकर इन तक जरूर देखें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, प्रेसिंग द बेल आइकॉन आप मेरे चैनल को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी जितनी भी वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, आज मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, BU वर्सेस CU। इस टॉपिक में आपको स्टेप बाय स्टेप आपकी ढेर सारी जानकारियां देने वाली हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहे और इस वीडियो को जरूर देखें। सो फ्रेंड्स, बिना वेस्ट टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आप जैसे अगर 10-20 का मैं BU और CU के वैल्यू की बात करूं, तो मान लीजिए कि आप ग्रेजुएशन के बाद किसी पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्स करना चाहते हैं, सपोज मान लीजिए आप MA करना चाहते हैं जिसे हम मास्टर ऑफ आर्ट्स कहते हैं, तो जब आप इसमें ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जब आप इसमें एडमिशन लेने जाएंगे तो आपके सबसे पहले किसी भी इस तरह से आपका नहीं मांगेंगे कि हाँ आपने किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, नहीं, आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हो आपके उसकी डिग्री चाहिए, और सबसे पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट आपको 50% आपका चाहिए या उससे अबव भी हो तो और भी अच्छी बात है। तो ये जो वैल्यू होती है ना वो 20% की होती है, बिकॉज इसके सिलेबस थोड़े चेंज होते हैं और इस तरह से थोड़ा लोगों जो के बीच में हो जाती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी यही यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, नहीं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, बा BU हो, CU हो, बा IGNOU हो, आपके डिग्री इंपॉर्टेंट है और साथ में आपके 50% या उससे अबव आपके मार्क्स चाहिए, बस यही है 10-20 का थोड़ा बहुत वैल्यू। तो ये मैंने आपको बता दिया। जैसे आप क्या होता है कि किसी भी आप यूनिवर्सिटी में आप ग्रेजुएशन करते हो तो ये चाहे आप बर्दवान लो, चाहे मतलब BU लो या CU लो, आपकी किसी भी मतलब एक डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी की, ठीक है, जिसे हम UGC कहते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेजुएशन आपका यूनिवर्सिटी की तरफ से करना पड़ता है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो डिफिनेशन तो आपको बता दिया, फुल फॉर्म भी बता दिया, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू की बात करूँ तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं थोड़ा सा जब BU में जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि कोलकाता यूनिवर्सिटी की बहुत वैल्यू होती है और BU की नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है, आप गलत फैमिली में बिल्कुल भी ना रहे हैं, यही आपको यहाँ पे मेन टॉपिक में बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी ध्यान से सुने, यहाँ पे आप वीडियो को क्लिप ना करें क्योंकि आगे इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं बहुत अच्छे से आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाली हूँ यहाँ। सो फ्रेंड्स, मेरा इस वीडियो का बनाने का इंटेंशन सिर्फ यही था कि मैं स्टूडेंट्स के जो सम कंफ्यूजन है, उसके जो थोड़े बहुत इशूज है, उन्हें जो डर लगते हैं, तो इस के जो कंफ्यूजन है उस चीज को मैं दूर कर सकूँ, इसीलिए मैं इस वीडियो को लेकर आई थी इस टॉपिक से रिलेटेड। मुझे लगा कि क्यों ना मैं स्टूडेंट को थोड़ा उन्हें BU और CU के बारे में उन्हें समझाऊं और इनकी जो वैल्यू है, इनका जो डिफिनेशन है, उनका जो फुल फॉर्म है, वो सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में बताऊं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। BU वर्सेस CU 10-20% का इसमें डिफरेंस होता है, लेकिन आप किसी भी कोर्स और फील्ड के लिए आपकी यूनिवर्सिटी मायने नहीं रखती है, आपका डिग्री और परसेंटेज अच्छा मायने रखता है। सो आप कोशिश करिए कि अच्छे से अच्छे परसेंटेज लेकर आए, और किसी भी यूनिवर्सिटी से आप डिग्री किए हो आपके ऑफ कॉस्टली आपको बिना टेंशन के, टेंशन फ्री आपका कोर्स में एडमिशन हो सकता है। हाँ, मैं सभी प्लेसेस की बात नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अलग अलग प्लेसेस के अलग अलग यूनिवर्सिटी के रूल्स अलग होते हैं, तो किसी जगह पे हो सकती है आपके यूनिवर्सिटी मायना हो सकता है, लेकिन मुझे जहाँ लगता है कि अगर BU और CU की चूँकि अगर मैं बात करूँ तो ऐसा कुछ नहीं है, आप BU हो या CU हो या IGNOU हो, किसी भी आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हो, आपका डिग्री और आपका 50% आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ को आप बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया इस वीडियो में, आई होप कि आपको बहुत बेनिफिट आया होगा इस वीडियो से। तो देखा फ्रेंड्स, हमने आपको BU वर्सेस CU में डिफरेंस बता दिए हैं, दोनों के फुल फॉर्म बता दिए हैं और 10-20 का वैल्यू भी बता दिया है। अगर आपको अभी भी किसी प्रकार की डाउट है तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, मैं उसी से रिलेटेड नेक्स्ट दिन वीडियो लेकर आऊंगी। फिर मिलते एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।